सो व्हाट इज चार्ट? ठीक है, सो देखो चार्ट इज दिस इज जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिस इज यूएस डॉलर अगेंस्ट बिटकॉइन. सो लाइक इन इनफैक्ट ऑल अदर वे अराउंड, बिटकॉइन अगेंस्ट यूएस डॉलर, वन डे चार्ट ऑन बिटफिनेक्स एक्सचेंज. ठीक है, सो बिटकॉइन अगेंस्ट यूएस डॉलर वाला ये चार्ट है, वन डे है, मतलब वन कैंडल दैट यू सी इज रिप्रेजेंटिंग वन डेज प्राइस एक्शन और मूवमेंट. ठीक है, वो प्राइस का मूवमेंट दिखा रहा है एक दिन का. ठीक है, अब देखो अब क्या है, व्हेनेवर वी से कि प्राइस मूव हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको हमेशा एक रिलेटिव सेंस में बात करते हैं, राइट, परसेंटेज में बात करते हैं, या मतलब जब हम बोलते भी कि प्राइस डबल हो गया, वी एसेंशियली मीन कि 100% बढ़ गया. ठीक है, सो लेट्स से देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रेडिंग एट $5. 5 डॉलर का एक कॉइन है या स्टॉक है या जो भी है. इफ इट गोज टू $10 तो इट इट डबल. ठीक है, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि $5 से $10 गया, तो ये डबल तो हुआ, पर इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, और अ गुड ट्रेड और नॉट, दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम इट टुक. जैसे मैंने बोला कि यार मैंने एक चीज $5 में खरीदी, वो $10 की हो गई. इफ इट टुक से 10 years टू गो फ्रॉम $5 to $10, देन इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, राइट, क्योंकि बाकी सब चीजें उससे जल्दी डबल हो गई. वर्सेस अगर वही चीज 5 से $10 में 10 दिन में चली गई इंस्टेड ऑफ 10 years, दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, राइट. सो कोई भी हम प्राइस को जब भी देखते हैं, व्हेनेवर वी लुक एट प्राइस, हाउ गुड और बैड द ट्रेड वॉज इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वेदर द डायरेक्शन वॉज राइट, राइट, क्योंकि क्योंकि प्राइस मूवमेंट तो आपने सही डायरेक्शन में ले लिया, पर उसमें कितना टाइम लगा, इट डिसाइड्स इफ यू डिड अ गुड ट्रेड और नॉट. एंड द चार्ट इज एग्जैक्टली दैट. द चार्ट इज जो ये, अच्छा बाय द वे, ये कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है क्योंकि ये बिगनर है, तो जितना भी जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इट विल नेवर बी अबव 9th क्लास और 10th क्लास मैथमेटिक्स. तो आप सबने मैथ्स पढ़ रखा है, ठीक है, 9th के ऊपर की मैथ्स नहीं होने वाली है यहाँ पे. तो वॉट एवर यू लुक एट योर ऑन योर स्क्रीन, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज असेंशियली जो हम ग्राफ बनाते थे स्कूल में, वो क्या होता था, लीनियर, क्या होता था वो, लीनियर जो भी होता था, राइट. नाउ मतलब कि एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था, राइट. तो हाँ, ये इट इज बिलो 5th क्लास मैथ्स, एग्जैक्टली गजेश कह रहे, इट इज बिलो 5. ये बहुत था बिल्कुल, हम मतलब बेसिक ही, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले इसको. सो देयर इज एन एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कि जैसे हम स्कूल में ग्राफ बनाते थे वैसे ही यहाँ पे चार्ट है. यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम है कि कितना टाइम लग रहा है, राइट. जैसे यहाँ पे अभी आप नीचे देखोगे मई जून जुलाई, ये आपको दिख रहा है, और आप जूम आउट करोगे मार्च अप्रैल, वो सब आ जाएगा, ठीक है, दैट इज दैट. नाउ दिस टाइम इज डिपेंडेंट ऑन टाइम फ्रेम के, मतलब आप डेली चार्ट ले रहे हो तो नीचे ज्यादा टाइम दिखेगा, वही अगर आप 1 मिनट चार्ट पे चल जाओगे तो पिछला 2 घंटा ही दिखेगा, बिकॉज वो इट इज रिलेटिव. तो नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, कि 30,000, 40,000, 50,000. आप इथेरियम पे जाओगे तो अगेन इट इज रिलेटिव टू द टाइम फ्रेम ऑल्सो एंड द क्रिप्टो ऑल्सो या स्टॉक ऑल्सो. टाइम फ्रेम क्योंकि अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो बहुत पास पास के टाइम दिखाएगा, अगर आप मंथली चार्ट पे चल जाओगे तो 10-10 हजार डॉलर के हिसाब से दिखाएगा क्योंकि बड़े मूवमेंट आते हैं, राइट. राइट, तो वो हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स क्रिप्टो है तो इथेरियम के प्राइस के हिसाब से दैट. सो बहुत ही सिंपल है, और चार्ट इज अ रिलेटिव मतलब मूवमेंट ऑफ प्राइस इन कंपेरिजन टू टाइम, दैट्स ऑल इट इज. दो एक्सेस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, बस उन दोनों को अगर एक साथ प्लॉट करो तो चार्ट बोलते हैं उसको, बहुत ही सिंपल भाषा में. चाहे आप उसको जैसे ये कैंडल स्टिक बना है यहाँ पे, अगर आप लाइन चार्ट बनाओगे तो ये लाइन चार्ट बन जाएगा, आप इसको अगर बार्स बना दोगे तो बार बन जाएगा, इफ यू मेक से एरिया वाला चार्ट तो वो एरिया वाला, जो भी आप बनाओगे इट इज असेंशियली गोइंग टू बी जस्ट वन थिंग, विच इज की टाइम और प्राइस के बीच का कोरिलेशन, और नॉट कोरिलेशन पर से, रिलेटिव व्हाट यू कॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट्स ऑल. ठीक है, ये हो गया चार्ट, इसको और कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ और है भी नहीं इससे ज्यादा, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज ये कैंडल स्टिक क्या चक्कर है, ये जो दिख रहा है आपको, जैसा मैंने बताया हम और भी चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन, ये रेनको, रेनको भी एक होता है, बहुत सारे होते हैं, लाइन ब्रेक, बहुत बहुत सारे टाइप टाइप के चार्ट मिल जाएंगे, पर हम ज्यादातर लोग दुनिया भर में कैंडल स्टिक यूज करते हैं. तो ये कैंडल स्टिक होता क्या, राइट. तो कैंडल स्टिक जो है ना, ये एक एक कोई भी कैंडल स्टिक, चलो ये
कल की कैंडलस्टिक देखते हैं, ठीक है। अ कैंडलस्टिक इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो है ये, क्योंकि अब हमारे को अगर एक्सेल शीट दे दिया, राइट, इफ वी हैव एन एक्सेल शीट, तो वो देख देख के हम मतलब पागल हो जाएंगे, हर मिनट में प्राइस चेंज होगी, हम कितना ट्रैक रखेंगे एक दिन में, तो मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिनट्स एंड डेटा विल कीप चेंजिंग, तो क्या करेंगे। इसलिए वी नीड अ इजी टू लुक एट इंटरफेस, इजी टू इंटरप्रेट इंटरफेस चाहिए हमको, एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम देख के एक बार में तुरंत समझ जाए कि क्या हो रहा है बस। तो जो डेटा हमारे पास है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैंडलस्टिक, कौन सा डेटा, ऐसा वैसा डेटा नहीं भाई साहब, कि कोई भी डेटा को कैंडलस्टिक में, देयर आर अगर ये अगेन, नाउ दिस इज नॉट बिलो फाइव क्लास गजेश, दिस इज अबव फिफ्थ क्लास मैथमेटिक्स, आई थिंक नाइन्थ या टेंथ में पता नहीं कब होता है, बट अबव फिफ्थ क्लास मैथमेटिक्स विच इज स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया होगा, आई थिंक एट्थ में या नाइन्थ में, कि डेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं। I heard of statistics first in I think I don't know 11th. नहीं हमको तो पहले पढ़ाते थे, पढ़ाते टेंथ में था, हाँ पता नहीं कब था बट था। तो मुझे क्या किसी की आवाज वापस आ रही, नहीं नहीं ठीक है ठीक ठीक। तो statistics में बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं, बहुत प्रकार प्रकार के, क्योंकि वो कोई एक आदमी था जिसको बहुत फुर्सत थी, उसने खूब मैथ्स के फॉर्मूले निकाले, ठीक है। पर हम जब कैंडलस्टिक को देखते हैं तो जस्ट टाइम सीरीज डेटा, आपने बहुत सुना होगा एक्सेल शीट बनाते हैं ऐसी बड़ी सी, इसमें ओपन हाई लो क्लोज टाइम के, अगेन ये पूरा गेम टाइम के साथ है। चार्ट में जैसे भी जिस भी एंगल से आप अप्रोच करोगे अल्टीमेटली आपको उसके कोर में टाइम मिलने वाला है, यू विल फाइंड टाइम इन एट द एंड ऑफ इट, राइट। तो टाइम का रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा, और उसको ओएचएलसी भी बोलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। और आप एक्सेल शीट में आप असेंशियली पिछले एक महीने का बिटकॉइन का डेटा एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और उसी को अगर आप ग्राफ पे ले आओ या चार्ट पे ले आओ तो उसको ये चार्ट बोलते हैं, जो अपना मतलब उसको अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको चार्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो व्हेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग ओपन हाई लो एंड क्लोज दिस डेटा ऑन इन अ ग्राफिकल मेथड, तो उसको चार्ट बोलते हैं, वो जो हमारे स्क्रीन पे है, ठीक है। नाउ नाउ दिस वाज द बोरिंग पार्ट, नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। दो टाइप के कैंडल दिखते हैं स्क्रीन पे, एक होता है रेड कैंडल, एक होता है ग्रीन कैंडल। बहुत सिंपल है, ट्रैफिक लाइट जैसा है, ग्रीन मतलब ऊपर जा रहा है, रेड मतलब नीचे आ रहा है, या ट्रैफिक में रुक जाता है या नीचे आ रहा है या रिवर्स में चला जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ग्रीन मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, रेड मतलब नीचे आ रही है। ग्रीन विच ऑल्सो बाय द वे मीन्स कि जितने भी टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो, जो भी आपका टाइम सीरीज डेटा जितने आप टाइम को देख रहे हो, अगर उसका नेट नेट मूवमेंट पॉजिटिव है तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, अगर नेट नेट मूवमेंट नेगेटिव है तो वो रेड कैंडल बन जाएगी। मतलब इन अदर वर्ड्स, इफ जो अगर हम इसको देखेंगे, जैसे ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, दिस इज 5th जुलाई, तीन दिन के पहले की कैंडल है ये। इसमें आपको देखोगे ये कैंडल पे जब मैंने रखा है तो ये देखो, ये ऊपर ओपन हाई लो क्लोज, ये यहाँ को आपको दिखेगा दिस, राइट। या जो मैं उसकी बात कर रहा था ओएचएलसी की, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। अगर ओपनिंग प्राइस इज हायर देन क्लोजिंग प्राइस, मतलब कि जिस प्राइस पे ओपन हुआ अगर उसके नीचे भाव बंद होता है तो वो रेड कैंडल होती है। मतलब ओपन प्राइस शुड बी हायर देन क्लोजिंग प्राइस, विच मींस के प्राइस नेट नेट कम हुआ, जिस प्राइस पे खुला था उससे नीचे बंद हुआ, तो ये तो बेरिश बात है, जैसा हमको पता है रेड कैंडल, ठीक है। ठीक ऑपोजिट, इफ द ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस, अगर जिस प्राइस पे खुला उससे ऊपर बंद हुआ, तो ये तो बुलिश है, हमको पता है, तो ये ग्रीन कैंडल। बहुत सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अभी तक इससे हमको ये पता चलता है बस कि जो टाइम हम देख रहे हैं उस टाइम में नेट नेट इम्पैक्ट क्या हुआ प्राइस का, नेट नेट, बीच में इंट्राडे में थोड़ा बढ़ा भी होगा, फिर नीचे भी आ गया, फिर बढ़ा, जो भी हुआ, नेट नेट अगर वो बढ़ा है तो ग्रीन कैंडल, बस सिंपल। यही अगर आप इस डेली चार्ट को अगर स्विच करके अगर आप आर्ली चार्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि और बहुत सारी कैंडल बन गई है, क्योंकि एक आर दिखा रहा है एक दिन की जगह, और उसमें आप देखोगे कि जो कैंडल रेड, जैसे ये देखो, ये कल की कैंडल रेड बनी है फॉर एग्जाम्पल, या आज की कैंडल इनफैक्ट बहुत रेड बनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी देखो पिछले दो घंटे जो है वो ग्रीन बन रहे। अगर आप इफ यू लुक एट टुडेज कैंडल, सी लुक एट टुडेज कैंडल, हियर इज अ रेड कैंडल, व्हिच मींस बिटकॉइन इज डाउन टुडे, प्राइस कम हुई है, पर अगर आप आर्ली पे देखो तो लास्ट दो घंटे रेड तो ग्रीन है, मतलब कि इंट्राडे में बढ़ रहा है। तो हर टाइम फ्रेम पे कैंडल का कलर अलग हो सकता है,
क्योंकि हम टाइम फ्रेम को ही दूसरे एंगल से देख रहे हैं, हमको ये पता है कि पूरे दिन में अभी तक कम हुआ है पर पिछले 2 घंटे में पड़ा, दैट्स ऑल इट इज टाइम, ठीक है।